के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश शासन में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, स्वास्थ्य और चिकित्सा के मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी चिकित्सा शिक्षा एवं वित्त के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के मुख्य सचिव सीआर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद जी, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री रजनीश दुबे जी, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण और विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक जनपद से जुड़े हुए हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मैं आप सबको इस महत्वपूर्ण दिवस पर जागरूक होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब इस बात को जानते हैं कि सकल जनसंख्या घनत्व का प्रभाव शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर पर जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक रूप से जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि प्रदेश में जनसंख्या का जो घनत्व है और प्रदेश में सकल जन्म दर देश की तुलना में अगर हम देखें, तमाम उपायों के बावजूद भी ये अभी भी काफी ज्यादा है। अगर देश के अंदर इसका अनुपात 2.2 है तो उत्तर प्रदेश में 2.7 तक जाता है। इसका प्रभाव शिशु मृत्यु दर पर भी और मातृ मृत्यु दर पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। 3 वर्षों में अनेक प्रयास किए गए लेकिन उन सब प्रयासों के बावजूद इस बात को महसूस किया जाता रहा है कि व्यापक जागरूकता के माध्यम से हम प्रत्येक नागरिक के मन में यह भाव जागृत कर सकें कि जनसंख्या स्थिरीकरण के माध्यम से हम प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ और एक सुंदर परिवार की ओर अग्रसर कर सकते हैं। उस व्यापक जागरूकता कार्यक्रम के जिससे आज का यह दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोविड-19 की चुनौतियों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। पिछले कुछ समय से अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं जिन कार्यक्रमों के माध्यम से हम प्रदेश के अंदर मातृ मृत्यु दर को और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित कर सकते हैं और इससे अनेक जो कार्यक्रम केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें जननी सुरक्षा योजना है,
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये सभी व्यापक पैमाने पर संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए 1820 न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर, 180 न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, 82 सिक न्यू बॉर्न यूनिट की स्थापना प्रदेश के अंदर भी है, 53 जनपदों में 170 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित है। जिनके माध्यम से फरवरी 2020 तक 20,58,000 से अधिक लाभार्थियों को ओपीडी के माध्यम से सेवाएं प्रदान की गई। प्रदेश में गंभीर रोगियों के लिए 250 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस संचालित हैं, जिनमें मई 2020 तक 2,01,000 से अधिक रोगियों को, यानी जो लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज है, इनका लाभ प्रदान किया गया है। 102 एम्बुलेंस की 2,270 यूनिट हमारे पास क्रियाशील है। मई 2020 तक 3,85,000 लाभार्थियों को इस सेवा के माध्यम से लाभान्वित किया गया। 1,08 एम्बुलेंस की सेवा जो 2,200 की संख्या में प्रदेश में है, क्रियाशील है। मई 2020 तक 1,48,00,000 लाभार्थियों ने इसका लाभ उठाया है। प्रदेश में 242 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टेलीमेडिसिन और 321 सामुदायिक केंद्रों पर टेली रेडियोलॉजी सेवाएं भी प्रदेश के अंदर उपलब्ध हैं। यानी इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाए हैं, नीति आयोग ने 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं। इसमें मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के बारे में प्रत्येक माह जनपदों की समीक्षा होती है और उन जनपदों में इसमें कमी लाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उसके बहुत आसक्ति परिणाम भी हम सबके सामने देखने को प्राप्त हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो 38 जनपद वेक्टर बॉर्न डिजीज से प्रभावित थे, इंसेफ्लाइटिस से और भी तमाम ऐसी बीमारियां थी जिसकी चपेट में आकर के और समय तमाम नवजात शिशु या फिर बच्चे उसकी चपेट में आकर के और समय कालकल्पित होते थे। व्यापक पैमाने पर जो कार्यक्रम चले, उसका परिणाम था कि 90% तक हमने मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जनसंख्या विश्व जनसंख्या दिवस के साथ ही आज स्वास्थ्य विभाग ने COVID-19 को प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विगत 4 माह से जो कार्यक्रम प्रारंभ किया, उस कार्यक्रम की श्रृंखला में मुझे याद है जब COVID-19 का पहला केस उत्तर प्रदेश में आया था, तब उत्तर प्रदेश में हमारे पास एक भी लैब नहीं थी जहां पर हम टेस्टिंग कर सके। इसके बाद जब एक प्रक्रिया आगे बढ़ी तो KGMU में जब हम लोगों ने इस क्षमता का विकास किया, तो पहले चरण में केवल 60 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता का विकास हो पाया। और कल तक के आंकड़े हैं कि उत्तर प्रदेश में 38,000 टेस्ट प्रतिदिन वर्तमान में हो रहे हैं, यानी 38,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार के सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में
आज क्षमता विकसित की है और आज मुझे प्रसन्नता है कि जिन 6 कमिश्नरी में हमारे पास कोई टेस्टिंग लैब नहीं थी, उन 6 कमिश्नरी के 7 कमिश्नरी में टेस्टिंग लैब बीएसएल 2 की लैब को आज एक साथ हम उद्घाटन करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग आज से वहां पर टेस्टिंग की क्षमता भी हम लोग विकसित करने में और वहां पे सैंपल लेकर के कोविड-19 के जांच करने की एक सुविधा वहां पर उन कमिश्नरी मंडलीय चिकित्सालयों में उपलब्ध हो चुकी है। इसके साथ ही आज और कल 2 दिन के लिए प्रदेश में एक विशेष अभियान प्रारंभ हुआ है और मुझे लगता है इसे हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको समझने की आवश्यकता है। जैसे हम यहां बैठे हैं, यद्यपि हर कार्यक्रम की शुभारंभ का हम किस रूप में करते हैं, हम जाते हैं दीप प्रज्वलन कर लेते हैं, अच्छा है। दीप भारतीय संस्कृति में ज्ञान का प्रतीक है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन देश काल और परिस्थिति को भी हम सबको समझना होगा, देखना होगा और खासतौर पर कोविड-19 के खतरों से बचाने के लिए। इसी सभागार में सामान्य दिनों में जब हम कार्यक्रम करते थे तो 100-150 लोग एक साथ बैठ जाते थे, आज हम सीमित संख्या में लोग बैठते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हमें कोविड के संक्रमण को भी रोकना है लेकिन साथ साथ अपने कार्यक्रम को भी संचालित करना है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हर एक व्यक्ति इसका पालन कर रहा है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग जब बैठते हैं तो अक्सर इस बात को ध्यान में नहीं देते कि हम दीप प्रज्वलन करेंगे तो सभागार में सेंसर लगे होंगे, पता लगा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दौड़े चली आ रही, हम यहां अंदर बैठे हुए बाहर से पानी की बौछारें अंदर फेंक रहे हैं। और ये छोटी छोटी बातें जिसको ध्यान में रखना होगा कि हम लोगों को वर्तमान में उत्तर प्रदेश कोविड-19 के प्रारंभ होने के बाद किस प्रकार की परिस्थितियों को झेला है और सफलतापूर्वक प्रत्येक चुनौती से हम लोगों ने उसका मुकाबला करते हुए सफलतापूर्वक हम बाहर निकले हैं और प्रदेश की 24 करोड़ जनता को एक सुरक्षित माहौल देने में हमें सफलता प्राप्त हुई। इस समय हमारे सामने एक नया चैलेंज है और वह चैलेंज है एक तरफ कोविड-19 के संक्रमण को रोकना, दूसरा बरसात के अत्यधिक बरसात को देखते हुए जितनी भी विषाणुजनित बीमारियां संचारी रोग है, इन सभी प्रकार के संचारी रोगों को भी प्रभावी ढंग से इसकी भी रोकथाम करना और इसकी रोकथाम करने की ही जिससे हम लोगों ने आज सेकंड सैटरडे और संडे दोनों को उपयोग हमने किया, क्योंकि सरकारी कार्यालय ज्यादातर बंद होते हैं और ज्यादातर बंदी के दौरान हम लोग इस बात को ध्यान में रख करके कि कार्यालय बंद रहेंगे, सभी लोग घर में रहेंगे, अगर हम 2 दिनों के लिए अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी बंद करके लोगों को घर में रखेंगे और स्वच्छता सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का एक विशेष अभियान प्रदेश के अंदर चला दें, दूसरा सर्विलांस टीम के गठन के माध्यम से मेडिकल स्क्रीनिंग की व्यापक व्यवस्था, रैपिड टेस्ट के माध्यम से प्रत्येक सस्पेक्टेड केस की जांच करना और फिर कोविड हॉस्पिटल में उनकी व्यवस्था की गई है वहां पर उन्हें यह व्यवस्था हम दे सकेंगे तो काफी हद तक मृत्यु दर को नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि सभी संबंधित विभागों ने, ग्राम्य विकास और पंचायती राज ने, नगर विकास ने, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा ने, अन्य सभी संबंधित विभागों ने इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़कर के इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 से आज हम सुरक्षित हैं, इसलिए क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समयबद्ध ढंग से जो निर्णय लिया और उसको प्रभावी ढंग से देश के अंदर लागू करने का परिणाम रहा कि दुनिया के अंदर जब हम देखते हैं कि अकेले अमेरिका के अंदर अमेरिका की कुल आबादी कुल 33 करोड़ है और वहां पर संक्रमण और वहां पर मृत्यु दोनों को हम देखते हैं
तो अकेले अमेरिका में मृत्यु 135,000 से अधिक हुई है, और भारत के अंदर जब हम इस बात को देखते हैं तो समय से लेकर फैसले का परिणाम क्या होता है कि देश की आबादी 135 करोड़ होने के बावजूद, यानी अमेरिका से 4 गुना अधिक आबादी होने के बावजूद भी भारत ने कैसे प्रभावी इस पर नियंत्रण किया है, यह इस बात को दिखाता है कि भारत जैसे विशाल आबादी के देश में मौत के आंकड़े अमेरिका में जहां 135,000 क्रॉस करता है, वहीं भारत में कुल 20,000 तक है। यानी ये समय से लिए गए फैसले, यानी इतनी बड़ी आबादी को बचाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के समय से लिए गए फैसले के कारण हुआ। और इसलिए छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके हम व्यापक पैमाने पर मृत्यु दर को नियंत्रित कर सकते हैं, चाहे वह COVID-19 से हो या किसी भी वेक्टर बॉर्न डिजीज से हो, उस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक करने की आवश्यकता है। उसी से आज का एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर हम एक स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए एक नए सिरे से प्रयास करें, आम जन को जागरूक करके इस दिशा में नए सिरे से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। साथ साथ COVID-19 के दौरान भी इन चुनौतियों से जूझते हुए भी या तमाम प्रकार की वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए यह समय अत्यंत संवेदनशील माना जाता है, उस दिशा में भी ये कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ रहे हैं। ये सारे कार्यक्रम एक साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हम लोग एक अच्छी दुनिया की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं, जिसमें हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, हर व्यक्ति अपने एक सुनहरे भविष्य का सपना साकार कर पाएगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश की सकल जन्म दर को भी राष्ट्रीय औसत से कम लाने में क्या प्रयास कर सकते हैं, इसके लिए व्यापक जन जागरण के एक बृहद अभियान को प्रत्येक समुदाय तक, प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने की आवश्यकता है। लेकिन साथ साथ COVID-19 और किसी प्रकार की संचारी रोग से बचाव करने के लिए भी हमें एक बृहद अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। इस विश्वास के साथ जो एक कार्यक्रम यहां पर एक साथ DSL सेकंड की लेबोरेटरी COVID-19 की दिशा आज यहां पर लोकार्पित की जा रही है, एक अच्छा प्रयास हुआ है। आज के दिन पर स्वास्थ्य विभाग ये कह सकता है कि हमारे प्रदेश के 18 कमिश्नरी में हमारे पास COVID-19 की जांच करने के लिए टेस्टिंग लैब है, और हमारा प्रयास अब सेकंड फेज में होगा कि हर जनपद में हम एक टेस्टिंग लैब उपलब्ध करवाएं। यह एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने की दिशा में किया गया प्रयास है। चिकित्सा शिक्षा ने पहले ही प्रत्येक मेडिकल कॉलेज को इसका केंद्र बिंदु बनाया है, और हर मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है वहां पर BSL-2 और BSL-3 लेवल की जो टेस्टिंग लैब बनाने की जो कार्रवाई युद्ध स्तर पर वहां पर बनी भी है, बन भी रही है। मैं इसके लिए इन दोनों विभागों को हृदय से साधुवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं, विश्वास करता हूं कि प्रदेश की 24 करोड़ जनता को COVID-19 और संचारी रोगों से बचाने के लिए हम अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से बेहतर परिणाम लाने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।